You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जेड ट्रांसफॉर्म को ही आगे बढ़ाते हैं हम। कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको कई तरीके से लिखा जा सकता है और उनके जेड ट्रांसफॉर्म पूछे जाते हैं। तो पहले हम बता दें कि आपको सिग्नल्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक सिग्नल लिखा हुआ है 2, 3, 1, 5, इसका क्या मीनिंग है? और अगर यहीं पे लिखा हुआ है 2, 3, 1, 5, एरो लगा हुआ है, और यहीं पे लिखा हुआ है 2 del n + 3 del n - 1 + 1 into del n - 2 + 5 into del n - 3। दोस्तों, ये तीनों के तीनों सिग्नल सेम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, और इनको एक और चौथे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि अगर ये x ऑफ n है तो n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू है 1, और n इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू है 5, और बाकी सब जगह इसकी वैल्यू है 0। तो इन सिग्नल्स को इतने तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों, याद रखना, जहां पे एरो लगा हुआ है वो पॉइंट कहलाता है n इज इक्वल टू 0। अगर कहीं पे कहीं भी एरो ना लगा हो तो फर्स्ट पॉइंट को माना जाता है n इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें याद रखना है। तो इन चार तरीके से अगर सिग्नल रिप्रेजेंट किए गए हैं तो इन चारों की एक ही मीनिंग है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। अब हम इनका z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। दोस्तों, तो z ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत आसान है। चाहे ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, तीनों को इस चौथे में कन्वर्ट कर लो, और डेल्टा n यानी कि इंपल्स फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसका z ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 × 1 डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म प्लस 3 × डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म 1 होता है, लेकिन शिफ्टिंग है तो यहां z पावर -1, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है। यहां हो जाएगा z पावर -2, यहां हो जाएगा z पावर -3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है दोस्तों वो ये है, यहां तो हो गया 1/z² + 5/z³। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इसका ROC क्या होगा। तो ROC में हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ROC क्या होता है, z की वो रेंज, वो वैल्यूज जिसके लिए z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होता है। आप देखिए, यहाँ पे अगर हम z इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, z इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसके अलावा हर वैल्यू पे, कोई भी वैल्यू आप देख लीजिए, हर वैल्यू पे हम देखेंगे कि इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, केवल z इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम बोलेंगे कि इसका जो ROC है वो है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 पे इसका z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए दोस्तों तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, xn इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1 प्लस डेल्टा n प्लस डेल्टा n माइनस 1, आपसे पूछे z ट्रांसफॉर्म निकालिए, आप बोलोगे इसका आ जाएगा z पावर 1 प्लस 1 और प्लस z पावर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z। इसका ROC क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए, ROC होगा इसका भी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट, देखिए z इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन दो वैल्यू को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा z प्लेन है इसका ROC।
इसी टाइप से अगर हम एक क्वेश्चन दे दें आप लोगों को कि x ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ऑफ n माइनस के एंड के इज सॉरी डेल दिस इज डेल के इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनिट। तो हम क्या बोलेंगे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज डेल एन प्लस जब k की वैल्यू जीरो रखो प्लस डेल एन माइनस वन प्लस डेल एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप अच्छे से देखो तो ये कुछ नहीं है ये यू एन ही है, हमने आपको बताया था कंटिन्यूस में कि डेल का जो एरिया होता है वही क्या होता है यूनिट स्टेप होता है और यहाँ पे समेशन क्या होगा यूनिट स्टेप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्राफ में देखिए n इज इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू है वन, वन पे भी वन, टू पे भी वन, थ्री पे भी वन, देखिए इस पे हर पॉइंट पे, बाकी नेगेटिव पॉइंट पे क्या है जीरो। तो ये एक प्रकार से क्या बन गया यू एन बन गया। तो इसका चूंकि z ट्रांसफॉर्म हमें पता ही है z अपॉन z माइनस वन होता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा वन, ये आएगा z इनवर्स, ये आएगा z पावर माइनस टू, z पावर माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी जीपी सीरीज बन चुकी है और जीपी सीरीज अगर बन गई है तो z ट्रांसफॉर्म अगर इस जीपी सीरीज को सॉल्व करना है तो a अपॉन वन माइनस आर, जीपी सीरीज आपको पता होगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट में क्या होता है a अपॉन वन माइनस आर, ये तभी होता है जब मॉड ऑफ r लेस देन वन हो, यानी कि r की मैग्नीट्यूड क्या हो एक से छोटी हो। यहाँ पे r क्या है z इनवर्स, तो मॉड ऑफ z इनवर्स लेस देन वन, ये r है z इनवर्स, 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे z इनवर्स, तो ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 1 और मॉड ऑफ z हो जाएगा ग्रेटर देन 1। कैसे हुआ इसे लिखोगे 1 अपॉन z तो ये z इधर चला जाएगा तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो ये वही का वही आ गया जो हमारा क्या था u ऑफ n था। इस टाइप से दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। x ऑफ n इज इक्वल टू टू वन वन थ्री वन, एरो लगा दिया यहां पे, आपसे पूछे इसका z ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप ध्यान रखो ये n इज इक्वल टू जीरो पे है, यानी कि ये लिखा हुआ है वन इंटू डेल्टा n और इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका वन होगा। ये लिखा है वन, ये n इज इक्वल टू अगर जीरो है तो ये n इज इक्वल टू वन, ये n इज इक्वल टू टू, यहाँ n इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ n इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये लिखा होगा थ्री इंटू डेल्टा n माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस थ्री इंटू डेल्टा n माइनस वन का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा z इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा n माइनस टू तो कितना हो जाएगा वन इंटू जेड पावर माइनस टू, यहाँ n माइनस वन है तो लिखा होगा डेल्टा n प्लस वन, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन इंटू जेड और ये कितना हो जाएगा टू इंटू जेड स्क्वायर। और इस प्रकार से आर ओ सी भी हम देखेंगे एंटायर z प्लेन एक्स एफ z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लेट एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू हमें लिखा हुआ है जेड अपॉन जेड माइनस टू, जेड अपॉन जेड माइनस टू और आर ओ सी लिखा हुआ है मॉड जेड ग्रेटर देन टू। आपसे पूछे कि इसका z ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है, आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चूंकि हमें अच्छा आपको कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, हमने लाप्लास में भी बताया था अगर आपको इनिशियल या फाइनल वैल्यू में कोई डाउट लग रहा है तो आप तुरंत उसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करो, टाइम डोमेन से जो आंसर निकलेगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये वैल्यू इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये हमने लाप्लास में भी बताया था आपको। और वो कंडीशन कौन सी होती है, वो कंडीशन होती है जिनमें कि हम मान लीजिए कि z की किसी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं और ROC उस वैल्यू पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे अभी देख के बताते हैं समझना। इसको अगर हम टाइम डोमेन में लिखेंगे तो कितना आएगा x ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 टू द पावर n u ऑफ n, ये हो गया है हमारा x ऑफ n। इस
सिग्नल की अगर इनिशियल वैल्यू हम यहां से देखें तो एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to the power 0, ये 1 हो जाएगा, और यू ऑफ जीरो भी क्या होता है 1, तो इनिशियल वैल्यू तो कितनी आ गई 1 आ गई। फाइनल वैल्यू अगर हम देखें तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ एन की जगह इनफाइनाइट रखना है तो 2 to the power infinite, और यहाँ एन की जगह इनफाइनाइट, तो यू ऑफ एन तो एन की हर पॉजिटिव वैल्यू पे क्या देता है 1 ही देता है, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए यू ऑफ एन हमेशा क्या देता है, हर पॉइंट पे 1 वैल्यू देता है, तो एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी कितना देगा 1 ही देगा, और 2 to the power n तो 2 to the power infinite क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इस हिसाब से तो हमें इनिशियल वैल्यू दिख रही है ये और फाइनल वैल्यू दिख रही है ये। अब हम देखते हैं कि क्या इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए हमने आपको बताया था कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहती है कि x ऑफ 0 यानी कि इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू होगी लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट x ऑफ z। यहां पे पुट करके देखते हैं x ऑफ z की वैल्यू क्या है, z अपॉन z माइनस 2, और लिमिट रखना है हमें z टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या इसमें z कॉमन लेके ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन z, और लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे पुट कीजिए आप, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 1। इनिशियल वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आई है जो हमने टाइम डोमेन में निकाली थी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम दोनों में क्यों निकाल रहे हैं, तो ये हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हम प्रूव करा रहे हैं कि कहाँ गलती करते हैं लोग, कि कहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू तो दोनों डोमेन में सेम आई है, अब हम फाइनल वैल्यू निकाल के बताते हैं आपको। फाइनल वैल्यू निकालना हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सिग्नल की फाइनल वैल्यू अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम से निकालना है तो लिमिट z टेंड्स टू पुट कीजिए 1, और यहाँ पे पुट कीजिए z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। तो देखिए x ऑफ z है हमारा, यहाँ पे z माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 2, और लिमिट रख दीजिए z टेंड्स टू 1। जब z टेंड्स टू 1 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, जबकि यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है। तो गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ हो रही है दोस्तों कि इसका आरओसी देखिए क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 2, और हम z की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम सब पे बनती है, कुछ नहीं करना आपको, एक फॉर्मूला लगाना है, एक बार z की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है, एक बार z की वैल्यू 1 रखना है। लेकिन आप ये भी तो दिमाग लगाइए कि क्या वहां पे वो थ्योरम एप्लीकेबल है, और वो चीज हमें कैसे पता चलेगी, आरओसी से और इस वैल्यू से। ध्यान रखना है इसमें अगर ये जस्ट ग्रेटर देन 1 हो तब क्या केस होगा, तब हम अगर कंडीशन लगाएंगे तो आंसर सही होगा केवल कब, जब जस्ट ग्रेटर देन 1 की कंडीशन हो, अदरवाइज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन, ये हमने लाप्लास में भी आपको समझाया था, जस्ट ग्रेटर देन 1 वहां पे यहां का जो यूनिट सर्किल है वहां का क्या है ओरिजिन, तो वहां पे हमने बताया था कि रियल एस जस्ट ग्रेटर देन 0 हो तो वहां पे ये कंडीशन ट्रू होती है, बाय डिफॉल्ट आंसर सही आता है। लेकिन ध्यान रखना है अगर उसमें आरओसी में देखिए z इज इक्वल टू 1 तो आ ही नहीं रहा है इसके आरओसी में, अगर ये यहां 1 लिखा होता तो जस्ट ग्रेटर देन 1 पे हम कंडीशन मान सकते थे कि 1 भी आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं उसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू सही आएगी। तो कब एप्लीकेबल है, जब ये फाइनल वैल्यू थ्योरम केवल तब एप्लीकेबल है जब आरओसी हमारा या तो जस्ट ग्रेटर देन 1 हो या फिर यहां 1 से छोटी वैल्यू लिखी हो, लाइक हमारी लिख दी हमने 0.5 0.3, जिसमें कि 1 एग्जिस्ट करे, जस्ट ग्रेटर देन 1 पे भी आंसर कोइंसिडेंटली सही आएगा। अभी हम प्रूव करके बताते हैं, बाकी जगह पे आपको चेक करना है कि अगर आरओसी में 1 है ही नहीं और वो जस्ट ग्रेटर देन भी नहीं है तो उसका आंसर गलत होगा। देखिए ये आंसर गलत है, तो इस केस में आप बोलोगे कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल आसान और आपसे बोलेंगे कि फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालिए तो आप फटाक से इस तरीके से निकाल दोगे 0 एंड द आंसर विल बी रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आरओसी पे ध्यान दे लें तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर आरओसी हमारा आरओसी में 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और जस्ट ग्रेटर देन 1 भी नहीं है तो उस केस में हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है वो किस मेथड से निकालना है, उसमें हमें टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए
अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे देखिए हम वन लिख देते हैं, यहीं पे अगर हम दोस्तों वन लिख देते हैं और आरओसी लिख देते हैं वन, तो देखिए ये एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्चुअली है यू ऑफ एन, जेड ट्रांसफॉर्म किसका है, ये यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है यू ऑफ एन की इनिशियल वैल्यू एन इज इक्वल टू जीरो पे क्या होती है, वन होती है, और यू ऑफ एन की फाइनल वैल्यू इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी क्या होती है, वन होती है। यू एन का आप ग्राफ बनाओगे हर पॉइंट पे वैल्यू क्या देगा, ये वन देगा, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या आ रही, वन आ रही। यहाँ पे पुट कीजिए, एक बार लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट पुट कीजिए तो हमें क्या मिलेगी, इनिशियल वैल्यू मिलेगी, कितनी आ जाएगी, वही की वही देखिए, z अपॉन z माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन z, लिमिट z टेंस टू इनफिनिटी, क्या किया, z इधर से कॉमन लिया, z इधर से, z से z काट दिया, यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 अपॉन z, इनफिनिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी, ये 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 1, आंसर आ गया 1, देखिए सही है हमारा, इनिशियल वैल्यू बिल्कुल सही है। फाइनल वैल्यू की हम बात करते हैं, फाइनल वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू भी बहुत आसान है निकालना, फाइनल वैल्यू हमने निकाली लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ z माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये z अपॉन z माइनस 1, z माइनस फाइनल वैल्यू क्या कहती है, z माइनस 1 इंटू xz और z टेंस टू 1, कितना आ गया z, और z में 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 1, तो फाइनल वैल्यू भी हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल सही हो गई, तो ये आंसर भी हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 1 बाई 2 रख दिया तो आर ओ सी हो जाएगा मॉड z ग्रेटर देन 1 बाई 2। चलिए यहाँ पे अगर हम टाइम डोमेन, देखिए हर क्वेश्चन में आपको टाइम डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करना बहुत टफ नहीं होता है, आपको केवल दिमाग कब लगाना है, जब आर ओ सी में 1 एग्जिस्ट ना करे तभी आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा आएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n u ऑफ n, इसी को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस n u ऑफ n। देखिए x ऑफ 0 इनिशियल वैल्यू, n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 और ये 1, तो 1 आ जाएगा, x ऑफ इनफाइनाइट u ऑफ इनफाइनाइट तो 1 होता है लेकिन 2 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, 0 into 1, तो इनिशियल वैल्यू आ गई 1 और फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हम देखते हैं इसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम से, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट x ऑफ z, तो ये लिखा है z अपॉन z माइनस 1 बाई 2, इसे हम वही लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2z और लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जब z टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1, जो कि बिल्कुल सही है, इनिशियल वैल्यू तो सही है। फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 और z माइनस 1 का मल्टीप्लाई इंटू xz, xz कितना है z अपॉन z माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे अगर हम z की जगह 1 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 और ये नीचे आ जाएगा 1 बाई 2, तो 0 आ जाएगा आंसर, 1 माइनस 1 क्या है 0, देखिए ये आंसर भी हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ आर ओ सी क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1 बाई 2, 0.5 से बड़ी वैल्यू, तो उसमें तो 1 आ रहा है ना, सही है, 0.5 से बड़ी वैल्यू में इनफाइनाइट भी तो आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि कब ये थ्योरम एप्लीकेबल है, ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब आर ओ सी में 1 और इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहे हो, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस हैं। केवल एक केस है जो आप एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, जिसमें आर ओ सी जस्ट ग्रेटर देन 1 होता है, उसमें कोई इंसिडेंट से आंसर सही निकलता है। चलिए लेकिन आप तो ध्यान रखो, अगर कहीं भी गड़बड़ लग रही है तो आप टाइम डोमेन में निकाल लीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 2 और मॉड ऑफ जेड लिख दिया लेस देन, सॉरी यहां पे हाँ मॉड ऑफ जेड लिख दिया लेस देन। अब देखिए आप इसका अगर हम टाइम डोमेन निकाले तो हमें पता है ये है माइनस 2 टू दी पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, कैसे, लेस देन पोल है ROC, तो ये एंटी कॉजल सिस्टम है, और एंटी कॉजल सिस्टम में क्या होगा हमारा, जो f
एफ एन इंटू यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है वही माइनस एफ एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का होता है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे देखें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू टाइम डोमेन में क्या हो रही है। दोस्तों हम इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म गिवन है तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कब हमें वो अप्लाई नहीं करना है। तो हम छोटे से क्वेश्चन में आपको समझा रहे हैं, बाद में आपको यही तो ध्यान देना है कि अगर आरओसी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है तो हम सीधा अप्लाई कर देंगे। टाइम डोमेन निकालने नहीं है आपको, कोई मेहनत नहीं करना। आरओसी में अगर वो पॉइंट नहीं आ रहा है, कौन कौन से जेड इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू इन्फिनिट, तब हमें टाइम डोमेन में ही निकालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, देखिए एन इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे U of minus n minus 1 का हमने आप लोगों को ग्राफ बताया था अगर आपको याद हो, यहां से स्टार्ट होता है n is equal to 0 पे तो 0 होता है। जिसको डाउट हो U of minus n minus 1 का ग्राफ प्रीवियस से प्रीवियस वीडियोस में दिया होगा जहां से जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था, n is equal to 0 पे उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि n 0 रखोगे तो U of minus 1 और U नेगेटिव क्या होता है 0, तो इनिशियल वैल्यू तो आ गई 0। अब हम फाइनल वैल्यू की बात करते हैं, इनफाइनाइट। देखिए U of infinite, जब ये U of my, ये तो इधर की तरफ है ना, तो इस साइड वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब हम देखते हैं इसको किससे, कौन सी, किसकी हेल्प से, हमारी जो थ्योरम्स हैं उसकी हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहती है x ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट x ऑफ z। यहाँ पे लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो देखिए इसे सीधा हम z कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन z लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन z, 2 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो सीधा आंसर आएगा 1। देखिए आंसर गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया कि ROC है लेस देन 2 और हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब ये मत बोलना कि कभी कोइंसिडेंट से आपका आंसर आ गया तो आप बोलोगे एप्लीकेबल है। हो सकता है कोइंसिडेंट से जो वैल्यू इधर आ रही हो वो वैल्यू इधर कोइंसिडेंट से आ जाए, लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आरओसी चूंकि लेस देन 2 है तो आप ये वाली मेथड तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट तो रख ही नहीं सकते, मतलब ये आंसर गलत है। तो आपको अगर इनिशियल वैल्यू निकालना है तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कोई थ्योरम अप्लाई नहीं करना, टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना। अब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम देखते हैं, इनफाइनाइट पुट करते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए क्या करना पड़ता है हमें, n टेंस टू इनफाइनाइट तो लिमिट z टेंस टू हमें क्या रखना है 1, और यहां पे हो जाएगा z माइनस 1 इनटू xz की वैल्यू क्या है z अपॉन z माइनस 2। पुट कर दीजिए आप, देखिए 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये आंसर तो सही आ गया। कैसे सही आ गया, देखिए आप 2 से छोटा, ROC क्या है 2 से छोटा और उसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए आंसर सही आ रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना है कि हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कब करना है। हमें अप्लाई तब करना है जब या तो ROC में z is equal to 1 एवं z is equal to infinite एग्जिस्ट करे, या फिर z is equal to 1 से जस्ट ग्रेटर देन या जस्ट लेस देन ROC हो, तो ये तो अप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई हम तभी करेंगे जब z is equal to infinite उस ROC में एग्जिस्ट करे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोगों को थ्योरम तो बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ROC पे आपको फोकस करना है, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, कन्वोल्यूशन के बारे में हम बताएंगे, डिस्क्रीट में कन्वोल्यूशन कैसे होते हैं बहुत आसान ट्रिक बताएंगे। और आपको हमारे वीडियो वही पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे बाकी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाएं जिनको इसकी जरूरत है, गेट के एग्जाम तक उन तक पहुंच जाना चाहिए। और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी तो आप लोगों को वीडियोस और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियोस के। ओके, थैंक यू सो मच।